पब्लिक टीवी आपकी आवाज। 70वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर सामाजिक संस्था कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट के पीतल नगरी स्थित मुख्य कार्यालय से ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के सैनी उर्फ राजेंद्र भैया के नेतृत्व में हेलमेट पहनकर संकेतात्मक दृष्टि से संदेश देते हुए बाइक तिरंगा यात्रा कंपनी बाग स्थित शहीद स्मारक पर पहुंचकर संपन्न हुई। इस अवसर पर 2 मिनट का मौन धारण किया गया और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई। तिरंगा यात्रा को एससी एसटी आयोग की सदस्य मुख्य अतिथि साध्वी गीता प्रधान और विशिष्ट अतिथि मधु अंजना ने हरी झंडी दिखाकर तिरंगा यात्रा को रवाना किया। हेलमेट पहनकर संकेतात्मक दृष्टि से संदेश देते हुए बाइक तिरंगा यात्रा में कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया ट्रस्ट के प्रदेश उपाध्यक्ष पुरुषोत्तम गोस्वामी, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह, संगठन मंत्री सत्य प्रकाश प्रजापति, महानगर अध्यक्ष राजीव राजपूत के साथ बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कृति फाउंडेशन द्वारा जो आज ये बाइक रैली का शुभारंभ हो रहा है गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर, सभी देशवासियों के लिए आज बड़े गौरव और सम्मान की बात है। आज यहाँ से बाइक रैली प्रारंभ हो रही है और उसके बाद कंपनी बाग शहीद स्मारक में जाके इस रैली का समापन होगा और अपने शहीदों को हम श्रद्धांजलि अर्पित करके उन्हें नमन करेंगे। और आज के दिन हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, उस संविधान के तहत आज हमारे लिए बहुत ही गौरव और सम्मान का दिन है और पूरे देश में बहुत हर्ष और उल्लास के साथ आज गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। मैं सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बाड़ी को विश्राम देते हैं। देखिए, तो हमारा ये राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पावन पर्व है, पूरे भारत पूरे राष्ट्र में इसको मनाया जाता है। इस अवसर पर कृति फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा बाइक तिरंगा यात्रा हमने निकाली है और पीतल नगरी स्थित मुख्य कार्यालय से बाइक तिरंगा यात्रा का शुभारंभ कर हमारी एससी एसटी आयोग की सदस्य उन्होंने शुभारंभ किया है और हम इस यात्रा के माध्यम से हेलमेट पहनकर संदेश देना चाहते हैं कि सभी शहरवासी जितने भी बाइक चला रहे हैं वो हेलमेट लगाकर बाइक चलाएं, हेलमेट लगाएंगे सुरक्षित रहेंगे। और इसके बाद जब हम कंपनी बाग शहीद स्मारक पर जाके इस यात्रा का समापन करेंगे, वहाँ पर 2 मिनट का मौन रखकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।